हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है मतलब फर्स्ट लेक्चर आपने पढ़ ही लिया होगा। सेकंड लेक्चर है ये आज का। तो आपने पढ़ा था व्हाट इज़ कंपाइलर, व्हाट इज़ इंटरप्रेटर प्रीवियस लेक्चर में, और ये पढ़ा था कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, और पढ़े थे स्ट्रक्चर क्या है कंपाइलर का, और भी चीज़ें पढ़े थे हम लोग। डिफरेंस हो गया था और लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम भी पढ़ लिया था। तो आज का नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फेज ऑफ कंपाइलर। फेज ऑफ कंपाइलर मीन्स व्हाट? फेजेस, किस कौन से फेजेस हैं, मतलब अब हम कंपाइलर के बारे में पूरा स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, हम रैंडमली पढ़ रहे थे टॉपिक वाइज कि व्हाट इज इंटरप्रेटर, व्हाट इज कंपाइलर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दैम, एंड व्हाट इज दैट लैंग्वेज प्रोसेस सिस्टम एंड ऑल दैट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाइलर। ओके, एंड अभी हम क्या करेंगे, तब हमने स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाइलर पढ़ा था। एक सिंटैक्स एनालिसिस होता है, एक सेमेंटिक एनालिसिस होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम कैसे बता रहे हैं, कैसे हम बता रहे हैं कि ये फेज ऑफ कंपाइलर जाएंगे उसके अंदर, तब तो बताएंगे, ठीक है। तो फेज ऑफ कंपाइलर क्या होता है, कॉन्सेप्ट पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं आपको। कॉन्सेप्चुअली कंपाइलर इज ऑपरेट इन द फेजेस के फॉर्म में ऑपरेट होता है, इन विच ईच ऑफ विच ट्रांसफॉर्म द सोर्स प्रोग्राम फ्रॉम वन रिप्रेजेंटेशन टू अनदर, एक रिप्रेजेंटेशन से दूसरे रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करता है। सॉरी फॉर दैट, इट्स प्रोनाउंसिएशन। इन जनरल डिटेल द कंपाइलर फर्स्ट मेक द लेक्सिकल एनालिसिस, सेमेंटिक एनालिसिस ऑफ द सोर्स प्रोग्राम, देन फॉर्म द information gathered during the three-folded analysis and generate the intermediate code of the program, make it optimization and create the result target code. Okay. Phase of compiler मतलब कि high level language से low level language तक पहुँचने में कौन कौन से phases हमें गुजरना पड़ता है, उस phase से वो phases compiler phase में आती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, एक फेज से दूसरे फेज में जो हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसके बारे में जो होता है, मतलब फेज वही होते हैं ना, जैसे कि आपने रेन का पढ़ा होगा, कैसे रेन होता है, पानी वेपोरेट होता है, फिर वापस बनता है बादल के, फिर वापस, ये अलग एक साइक्लिक फॉर्म है ना, एक के बाद एक के बाद एक। तो वैसे ही ये फेज है कंपाइलर का, कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। इट इज ये कह रहे थे हम, हाँ ये नेक्स्ट लाइन ये कह रहा था कि इसमें पहले क्या होता है, एक लेक्सिकल एनालिसिस होता है, सेमेंटिक एनालिसिस होता है, फिर हम क्या करते हैं उसके बाद इंटरमीडिएट कोड होता है, फिर उसके ऑप्टिमाइजेशन होता है, फिर कोड जनरेशन होता है, फिर टारगेट आपको कोड मिल जाता है। तो यही बता रहा है कि अगर पहले जब लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सेमेंटिक एनालिसिस क्या होता है, ये क्या होता है, एनालिसिस पार्ट होते हैं, ठीक है, जिसको इन्फॉर्मेशन गैदर करके हम उसके बाद आगे का परफॉर्म करते हैं, जिसमें इंटरमीडिएट कोड हम निकालते हैं प्रोग्राम का, फिर हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, फिर हम क्रिएट करते हैं मशीन, जनरेट करते हैं मशीन कोड, ठीक है। तो इसके तीन जितने फेजेस मैंने नाम अभी ऊपर लिए थे, वो सारे फेजेस, सिक्स फेजेस हैं कंपाइलेशन के, लेक्सिकल, सिंटैक्स, सेमेंटिक, इंटरमीडिएट कोड, कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड जनरेशन। ये तीन हैं, ये ऊपर के जो तीन हैं, ये तीन, रुकिए जरा सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, ये तीन जो हैं ये एनालिसिस पार्ट में आते हैं, और ये तीन जो होते हैं इसके नीचे वाले, ये रिमेनिंग तीन हमारे सेमेंटिक एनालिसिस में आते हैं, ठीक है। अब फेज ऑफ कंपाइलेशन तीन फेजेस होते हैं जिसको हम बल्क के फॉर्म में लेते हैं, हमने बताया था अभी, एक होता है एनालिसिस पार्ट और एक सिंथेसिस पार्ट, यही बोल रहा है, ठीक है। चलिए, सिंपल टेबल मैनेजमेंट एंड एरर हैंडलिंग, सो इन इंट्रैक्शन द सिंक फेज, मतलब जो भी हम टेबल में काम कर रहे, मतलब जो भी सिक्स फेजेस में काम हो रहा है, वो सिंपल टेबल मैनेजमेंट का काम, मतलब वो हैंडल करता है कि कुछ कोई चीज़ क्या हो रही है वहाँ पे, सी सारी चीज़ें सिंपल टेबल मैनेजमेंट होते हैं। अगर कोई एरर आ गई तो जितने भी एरर हैंडलिंग काम होता है वो एरर हैंडलिंग के पास जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हमें पता होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे ये एक एरो एरो फॉर्म में बना होगा, अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा, तो ये यहाँ पे एरो के फॉर्म में, एक मिनट,
सारे फेजेस से इंटरेक्ट होते हुए सिंबल टेबल बनेगा और एरर हैंडलर बनेगा। तो हम जान लेते हैं लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है। लेक्सिकल एनालिसिस स्कैनिंग होता है, मतलब स्कैन करता है कि टोकन्स कैसे हैं, सही है कि नहीं है। पार्सिंग क्या होता है, इसको सिंटैक्स को चेक करता है, सिंटैक्स सही है कि नहीं, मतलब रीड वाला काम लेक्सिकल करता है। जब हम पार्सिंग मतलब जब हम सिंटैक्स चेक करते हैं कि सिंटैक्स सही है, नाम से समझ में आ रहा है सिंटैक्स है, सिंटैक्स चेक कर रहा है, ठीक है। टोकन वाला काम लेक्सिकल वाला हो गया। फिर सेमेंटिक प्रोसेस, फिर उसमें एरर ढूंढ लेगा, फिर कोड जनरेशन होगा, ट्रांजिशन। अब इसको अच्छे से पढ़ेंगे नीचे डायरेक्टरी में, ठीक है। तो पहले हम बता देंगे तो आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है, तो इसलिए हम पहले थोड़ा सा इसमें बताएंगे लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है। ये पहला पार्ट जो लेक्सिकल एनालिसिस था, इसको हम स्कैनिंग कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्कैनिंग। एंड लेक्सिकल एनालिसिस ब्रेक अप द सोर्स कोड इंटू लेक्समी। ये क्या करता है, कोई भी प्रोग्राम ने सी का लिखा हो, उसको क्या करता है, ब्रेक करता है लेक्समी के फॉर्म में। लेक्समी मतलब छोटे छोटे पार्ट, सोर्स को छोटे पार्ट को क्या कहते हैं, जो ब्रेक करता है प्रोग्राम के छोटे पार्ट को, उसे हम लेक्समी कहते हैं। दैट लॉजिकली कोहेसिव लेक्सिकल एंटिटी सच एज आइडेंटिफायर और इंटीजर। जैसे इंटीजर हो गया, आइडेंटिफायर्स हो गया, ठीक है, ये लेक्समी वही सब चीजें लेक्समीज के अंदर आती हैं, ठीक है। इट आइडेंटिफाई द दीज एंटिटी आर वेल फॉर्म्ड, ये वेल फॉर्म होती हैं, प्रोड्यूस द टोकन्स, प्रोडक्ट टोकन्स को प्रोड्यूस करती है, मतलब कि जो जो भी लक्ष्मीज होती हैं उसको हम क्या करते हैं, कहते हैं टोकन्स कहते हैं, ठीक है। दैट यूनिफॉर्मली रिप्रेजेंट द लक्ष्मीज इन अ फिक्स्ड साइज वे, ये क्या करती हैं, ये यूनिफॉर्मली रिप्रेजेंट करती हैं लक्ष्मीज को, ठीक है, इन अ फिक्स्ड साइज वे, फिक्स साइज वे में ये क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। एंड सेंड दीज टोकन्स टू द लेक्सिकल एनालिसिस, और ये क्या करती हैं, लेक्सिकल एनालिसिस सिंटैक्स एनालिसिस को भेज देती है। मतलब ये इनका काम क्या है, सिंपली ये लेक्समी छोटे छोटे प्रोग्राम को छोटे प्रोग्राम में तोड़ती हैं, छोटे पार्ट में तोड़ती हैं, उसको हम लेक्समी कहते हैं छोटे पार्ट को, और वो टोकन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर जो जो लेक्समी होती है उसके अंदर मतलब इंटीजर टाइप, आईएनटी, आइडेंटिफायर्स, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस करती हैं टोकन, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग जो लेक्समी होता है उसका फिक्स साइज वही होता है, जैसे कि आई एन टी का भी होता है, इस साइज से इस साइज के बिटवीन होगा, डबल का एक साइज होता है, जैसे पोसी लैंग्वेज में आप पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये होती है सेंड देयर टोकन्स टू द सिंटैक्स एनालिसिस। अब ये सारे काम करने के बाद, मतलब मेन स्कैनिंग वाला काम करने के बाद, तोड़ने के बाद और डिवाइड करने के बाद, ये क्या करती है, सिंटैक्स एनालिसिस के पास भेजती है। सिंटैक्स एनालिसिस क्या करता है, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, देखो मैंने बताया, आइडेंटिफायर हो गया, कीवर्ड हो गया, कांस्टेंट हो गया, ऑपरेटर्स हो गए, सारी चीज लेक्सिकल में आते हैं। अब स्कैन सिंटैक्स क्या करेगा, सिंटैक्स एनालिसिस क्या होता है, उसको हम पार्सिंग भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पार्सिंग। पार्सिंग इज द फर्स्ट फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द टोकन प्रोड्यूस बाय द लेक्सिकल एनालिसिस टू क्रिएट द ट्री लाइक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन दैट डिपिक्ट द ग्रामर स्ट्रक्चर ऑफ द टोकन स्ट्रीम। पार्सर क्या होता है, ये यूज़ किया जाता है फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है टोकन का, जो कि प्रोड्यूस लेक्सिकल एनालिसिस के थ्रू आता है, मतलब लेक्सिकल एनालिसिस के थ्रू बाद आता है ना सिंटैक्स एनालिसिस। ये क्या करता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जिसको हम कहते हैं ट्री लाइक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये चेक फिर ये डिपेक्ट करता है ग्रामर के स्ट्रक्चर सही है कि नहीं है, मतलब ये पहले क्या, ये सिंपली सिंटैक्स को एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। टिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंटैक्स ट्री इज विच ईच इंटीरियर नोड रिप्रेजेंट द ऑपरेशन एंड द चाइल्ड नोड रिप्रेजेंट द आर्गुमेंट ऑफ द ऑपरेटर ऑपरेशन। देखिए जब आपके इंटीरियर नोड होंगे वो बताएंगे कि आपके क्या कहते हैं ये तुम्हारे ऑपरेशन बताएंगे, और जो चाइल्ड नोड होंगे वो आर्गुमेंट बताएंगे, आर्गुमेंट क्या है, ठीक है। अब हम नीचे आपको बहुत अच्छे समझा देंगे नीचे एग्जांपल से। सिमेंटिक एनालिसिस क्या हो गया, पहला क्या हुआ, लेक्सिकल जो कि टोकन्स के फॉर्म में प्रोड्यूस किया, फिर उसने क्या किया, तोड़ तोड़ के लेक्सिकल ने किया, फिर उसके बाद उसने क्या किया, ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इस सिंटैक्स ट्री, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस। अब ये चेक करेगा एरर, ठीक है, क्या ऑपरेशन हो रहा है। सिमेंटिक एनालिसिस चेक द सोर्स प्रोग्राम सेटिस्फाइज द सिमेंटिक कन्वर्जन ऑफ द सोर्स लैंग्वेज। ये क्या करता है, सोर्स प्रोग्राम को चेक करता है सिमेंटिक
और कन्वर्स और कन्वर्जन करता है, सेमेंटिक कन्वर्जन करता है सोर्स लैंग्वेज का, ठीक है। परहैप्स मोर इम्पॉर्टेंट टू टिपिकल चेकिंग द वेरीफाइंग ईच ऑपरेटर एंड ऑपरेंट, ये क्या करता है, ऑपरेटर और ऑपरेंट को चेक करता है, और परमिटेड बाय द सोर्स लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, मतलब चेक करता है कि ये सोर्स लैंग्वेज का स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ऑपरेटर ऑपरेंट को चेक करता है। इफ़ द ऑपरेंट आर नॉट परमिटेड, अगर वो उस सेटिस्फाई नहीं, कि इंटीजर टाइप आपने ज़्यादा दे दिया हो, ठीक है, उसको चेक करता है कि अच्छा इंटीजर टाइप के अंदर ही है ना, मतलब साइज के अंदर ही है ना, अगर साइज के अंदर बाहर हुआ द कंपाइलर फिर क्या होगा, दिस कंपाइलर फेस टेक एन अप्रोप्रिएट एक्शन टू हैंडल दिस इनकम्प्लीबिलिटी, मतलब कोई एरर आई तो वो इसकी इनकम्प्लीबिलिटी, मतलब जो कंपाइलर ने, मतलब जो एरर आई है उसको हैंडल करता है, इट इज आइदर इंडिकेट द एरर एंड मेक द कोरिशन, मतलब ये एरर बताएगा, ठीक है, ड्यूरिंग द ऑपरेंट आर कन्वर्टेड टू दिस कंपाइलिबिलिटी, मतलब ये ऑलमोस्ट एरर चेक करता है या टाइप चेक करता है कि क्या ऑपरेशन हो रहा है सिमेंटिंग में से। अगर एग्जाम में आएगा तो सिर्फ आप इतना लिख सकते हो कि ये क्या करता है, चेक द सोर्स सेटिस्फाइंग द सिमेंटिक कन्वर्जन ऑफ द लैंग्वेज, अगर टाइप चेक करता है ये, और अगर टाइप गलत निकला मतलब एरर आती है तो कंपाइलेशन कंप्लीबिलिटी दिखाता है, ठीक है। अब आते हैं हम इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, मतलब उसके बाद मैंने देखा था इंटरमीडिएट कोड जनरेशन आ गया था, ठीक है। तो कोड इसके बाद ये इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द ट्रांसलेशन ऑफ द सोर्स प्रोग्राम इनटू द टारगेट कोड, इससे पहले हम लोग क्या कर लिए थे, लेक्सिकल हमने वो कर लिया था, टोकन कन्वर्ट किया था, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर बनाया था, उसके बाद हमने एरर चेक की थी, टाइप चेक किया था कि सही है कि नहीं है जो भी हमारे सोर्स कोड में है। अब इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में क्या होता है देखते हैं, ये प्रोसेस है ट्रांसलेटिंग सोर्स प्रोग्राम इनटू द टारगेट प्रोग्राम, टारगेट ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है, ये सोर्स प्रोग्राम को क्या करेगा, टारगेट कोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। कंपाइलर मे कंस्ट्रक्ट वन और मोर इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, ये क्या कर सकता है, एक और दो साथ रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं, विच हैव वेरियस फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म होते हैं, सिंटेक्स ट्री आर फॉर्म इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, दे आर कॉमनली यूज ड्यूरिंग द सिंटेक्स एंड सेमेंटिक एनालिसिस, ये क्या करता है, सिंटेक्स ट्री जो होता है वह फॉर्म होता है इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन का, जो कि सिंटेक्स और सिमेंटिक के टाइम प्रोड्यूस होता है, जो भी कॉमनली यूज होता है जो, ठीक है। इन दिस फेज द इंटरमीडिएट फॉर्म कॉल्ड थ्री एड्रेस कोड इज जनरेटेड, इस इंटरमीडिएट फॉर्म में उससे पहले क्या होता था, सारी चीज़ें बस चेकिंग हो रही थी, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये क्या इंटर थ्री एड्रेस कोड जनरेट करेगा, थ्री एड्रेस कोड कंसिस्ट ऑफ सिक्वेंस ऑफ असेंबली लाइक इंस्ट्रक्शन विच थ्री ऑपरेंट्स एंड पर इंस्ट्रक्शन, जिसे कि आपने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था आपने, वहाँ पढ़ा था आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, कि थ्री एड्रेस कोड क्या होता है, दो ऑपरेंड होते हैं और एक क्या होता है ऑप कोड होता है, ठीक है। तो आप थ्री एड्रेस कोड मतलब थ्री बाइट, ठीक, तो आपने वहाँ पढ़ा था जब, तो ये वही बात कह रहा है कि ये क्या करता है, कंसिस्ट करता है सीक्वेंस ऑफ असेंबली लैंग्वेज लाइक स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन विच थ्री ऑपरेंड पर इंस्ट्रक्शन, थ्री ऑपरेंड होते हैं पर इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, ईच ऑपरेंड कैन एक्ट लाइक रजिस्टर, हर एक ऑपरेंड एक्ट करता है लाइक रजिस्टर, ठीक है। ये इंटरमीडिएट कोड जनरेशन ये क्या करता है, थ्री एड्रेस कोड जनरेट करता है, अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप ये कह सकते हैं, ये ऊपर की लाइन लिख सकते हैं, दिस प्रोसेस ट्रांसलेटिंग सोर्स प्रोग्राम इनटू टारगेट कोड, फिर आप ये लिख सकते हैं इंटरमीडिएट कोड फॉर्म करता है ये, और ये लिख सकते हैं पहले आप ये लिखेंगे ना, कोड कंपाइल मे बी कंस्ट्रक्ट वन मोर इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन इन वेरियस फॉर्म, यहाँ तक लिख सकते हैं आप, एन इंटरमीडिएट फॉर्म कॉल थ्री एड्रेस कोड जनरेटेड एंड थ्री एड्रेस कोड कंसिस्ट ऑफ ऑपरेंड एंड असेंबली लाइक स्ट्रक्चर लाइक थ्री ऑपरेंड कोड पर स्ट्रक्चर, ऑपरेंड और ऑपरेटर होते हैं जिसमें ऑपरेंड जो होता है वो क्या करता है, टाइप एक्ट करता है, ठीक है। कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या हो रहा है, कोड ऑप्टिमाइज हो रहा है, ठीक है, ऑप्टिमाइज रिशेपिंग द इंटरमीडिएट कोड सो दैट इट वर्क मोर इफिशेंटली, जैसे कि हम
ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप बाउल लिए, आपने अगर रेक्टेंगुलर बाउल लिया तो रेक्टेंगुलर शेप देगा, अगर आपने कुछ सामान मतलब कोई भी सामान आपने डाला वो रेक्टेंगुलर शेप देगा, अगर आपने सर्कल वाला बाउल लिया तो सर्कल शेप देगा। तो मतलब ये कह रहा है कि सामान आप जिस भी फॉर्म में डालोगे उस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा, रेक्टेंगुलर रहेगा तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में चला जाएगा, अगर सर्कल रहेगा तो सर्कल में। इससे क्या हो रहा है, इफिशियंसी बढ़ जा रही है। ऐसा नहीं है रेक्टेंगुलर अगर उठा के सर्कल में डाला तो जा ही नहीं पा रहा, इससे क्या हो रहा है इफिशियंसी बढ़ जा रही है। तो ऑप्टिमाइजेशन मतलब वही होता है, मतलब जो ऑप्टिमाइज हो जा रहा है बहुत ईजिली उसमें इफिशियंट वे में वर्क करा रहे हैं। ठीक है, इज द फेज यूजली इन्वॉल्व द न्यूमरस सब फेज, दिस फेज यूजली इन्वॉल्व न्यूमरस सब फेजेस मेनी ऑफ विच द अप्लाइड रिपीटेडली। इसमें जो होते हैं कुछ कुछ सब फेजेस भी हैं जो कि बहुत बार रिपीट करते हैं, और कुछ दो डिटेल्स से अगर हम जानते हैं विच डिस्टिंग्विश टू काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। इसमें दो टाइप के ऑप्टिमाइजेशन आ जाते हैं, मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन, मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि अब हम बात करते हैं कि मशीन ऑप्टिमाइज डिपेंडेंट क्या होता है, मशीन इंडिपेंडेंट क्या होता है। जैसे कि आप कोड भी जो भी आप कोड कंपाइलर हो गया, ठीक है, कंपाइलर क्या है, जो भी आप नहीं सॉरी इससे पहले जो आपने काम किया था मतलब जो भी सिंटैक्स एनालिसिस, लेक्सिकल एनालिसिस, सेमेंटिक एनालिसिस, ये क्या था, मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन था। मतलब उसको उसमें मतलब नहीं था, उसको सिर्फ सिंटैक्स चेक करना था कि सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, तो वो उसको नहीं मतलब है मशीन से कि मशीन क्या कोड जनरेट करेगा या मशीन क्या करेगा, उसको सिर्फ चेक करना है लेक्सिकल को, उसको ट्री के फॉर्म में करना है सिंटैक्स को, और एरर को हैंडल कर एरर को शो कराने का काम स्कैनिंग व्हाट इज दैट लेक्सिकल सिमेंटिक। ओके, वो सब ये सब मशीन पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए मशीन इंडिपेंडेंट माना जाता है। लेकिन ये ऑप्टिमाइजेशन हो गया, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन हो गया, और ये कोड ऑप्टिमाइजेशन कोड जनरेशन, ये तीनों चीज़ होते हैं इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट में आया था, मतलब हम इस पर डिपेंड करता है क्योंकि ये अब क्या होने जा रहा है, ये कोड मशीन लैंग्वेज में चेंज होने वाली है। ठीक है, उससे पहले अभी चेकिंग हो रही थी, अब ये इंटरमीडिएट कोड मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने जा रही है, सो ये डिपेंडेंट होगा ऑप्टिमाइजेशन। द फॉर्मर ऑपरेटर्स ऑन द इंटरमीडिएट कोड विच लेटर इज अप्लाइड ऑन टारगेट कोड। जो द फॉर्मर ऑपरेट्स ऑन द इंटरमीडिएट कोड वाइल लेटर इज अप्लाइड ऑन टारगेट कोड। पहला जितने भी थे मतलब जितने भी ऑपरेंट थे लेक्सिकल और जितने भी इंटरमीडिएट कोड के पहले, वो तुम्हारे क्या थे, इंटरमीडिएट मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन थे। लेकिन जिसके बाद वाले थे वो क्या थे, कोड जनरेशन मतलब कि डिपेंडेंट थे, यही बताना चाहता है इस लाइन के थ्रू। ठीक है, कोड जनरेशन क्या होता है, अब देख लीजिए कोड जनरेशन एंड उसके बाद एग्जाम्पल। ठीक है, तो कोड जनरेशन टेक्स एन एज अ इनपुट इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, जो भी इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन था उसको एज अ कोड लेता है ऑफ द सोर्स प्रोग्राम एंड मैप टू द टारगेट लैंग्वेज। अब ये सबसे लास्ट होता है फेज जो क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में तुम कन्वर्ट कर देता है। इफ द टारगेट लैंग्वेज इज मशीन कोड, अगर ये मशीन कोड हुआ, टारगेट लैंग्वेज रजिस्टर मेमोरी लोकेशन आर सेलेक्टेड फॉर ईच ऑफ द वेरिएबल यूज्ड फॉर द प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, हर एक मशीन कोड का रजिस्टर और लोकेशन सेलेक्ट होता है, ठीक है, वेरिएबल का। देन इंटरमीडिएट इंस्ट्रक्शन आर ट्रांसलेटेड इनटू सीक्वेंस ऑफ द मशीन इंस्ट्रक्शन। अब क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको ट्रांसलेट कर रहा है सीक्वेंस वाइज में मशीन इंस्ट्रक्शन में, दैट परफॉर्म सेम टास्क, जो कि सेम टास्क करता है। ठीक है, मतलब कि अब ये सिंपली इसे पहले क्या हुआ था, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन से क्या हुआ था आपका, हम रिवाइज करवा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन से आपने थ्री एड्रेस कोड किया था, और इसमें क्या हुआ था, हमारा सीक्वेंस वाइज में मतलब ये कंसिस्ट करता था असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन को, थ्री ऑपरेंड होते थे। ठीक है, थ्री ऑपरेंड पर इंस्ट्रक्शन, हर एक इंस्ट्रक्शन के तीन ऑपरेंड होते थे, और ऑपरेंड जो होता है वो रजिस्टर तरह बिहेव करता था। कोड ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता था,
कि इसे हम बताए थे कि इसमें इसमें हम जिस मतलब कि ऑप्टिमाइज करता है, मतलब वर्क बहुत इफिशेंटली वे में करता है, और ये इसके दो पार्ट होते हैं, जिसमें मशीन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन होता है, और एक मशीन इंडिपेंडेंट होता है. ठीक है, इंडिपेंडेंट वाला मतलब जो निर्भर नहीं रहता है, वो था आपका लेक्सिकल सिंटैक्स और सेमेंटिक, जो कि सिर्फ एरर्स का काम कर रहे थे देखने का. लेकिन जब इंटरमीडिएट के बाद चीज़ें आई, मतलब जब एड्रेस जहाँ से इंटरमीडिएट हमने बताया था ऊपर रजिस्टर वाला, वहाँ से वो मशीन डिपेंडेंट होने लगे, क्योंकि अब मशीन पे डिपेंड करता है कि कौन सी मशीन पे ये मतलब कौन सी अब इस पे ट्रांसलेशन होगा, मशीन पे कैसे ट्रांसलेट करना है, तो इसलिए इस पे आ जाएगा. ठीक है, अब कोड जनरेशन में मैंने बताया कि इसमें कोड जनरेशन में क्या होगा, इनपुट को इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन के इनपुट को लेगा और क्या करेगा, टारगेट कोड के फॉर्म में, टारगेट लैंग्वेज में, मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा. और इसके लिए उसको रजिस्टर चाहिए, मेमोरी लोकेशन चाहिए, ताकि वो लैंग्वेज को क्या कर सके, वेरिएबल्स को क्या करे, उस लोकेशन और उस रजिस्टर में डाले और उसको ट्रांसलेट कर दे इंटरमीडिएट इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंस वाइज में मशीन इंस्ट्रक्शन में, और परफॉर्म करे सारे टास्क जो भी उस पर टास्क परफॉर्म करना था. ठीक है, ये था कोड जनरेशन. एक एक अच्छा सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, पोजिशन इज इक्वल टू इनिशियल प्लस रेट इंटू 60. सो हम इसको एक बार क्या करते हैं, पोजिशन को एक बार सिंबल टेबल में डाल लेते हैं. जैसे यहाँ सिंबल टेबल देखिए, यहाँ पास में मेरे मेरा शायद आपको दिख नहीं रहा होगा. हाँ ठीक है, ये देखिए पोजिशन गया, इग्निशियल गया और रेट गया. ठीक है, सिंबल टेबल में हमने इग्नाइज कर पहले इसको एक सिंबल टेबल में डाल दिया, क्योंकि ये अभी मैंने पहले लिया है. ठीक, अब हम लेक्सिकल एनालिसिस, मैंने क्या किया, लेक्सिकल एनालिसिस मतलब कि इसको पहले चेक करो कि टोकन्स को फॉर्म में कन्वर्ट करो. टोकन के फॉर्म में मतलब ID 1 दे दिया इसका नाम, ID 2 दे दिया इग्निशियल का नाम, ID 3 दे दिया रेट का नाम. इसने क्या किया, लेक्सिकल एनालिसिस, इसको टोकन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. सिंटेक्स एनालिसिस मतलब सिंटेक्स चेक करने वाला, या फिर इसको पास सिंटेक्स ट्री में कन्वर्ट करेगा. तो मैंने क्या कर दिया, इसको साइन को ऊपर कर दिया, ID 1 को ऊपर कर दिया, उसके बाद ID 2, फिर ID 3, फिर 60. ठीक है, इसको एज अ फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. फिर सिमेंटिक प्रोसेस क्या हुआ, सिमेंटिक प्रोसेस इसमें क्या होगा, सिमेंटिक प्रोसेस में चेक होगा कि एरर है कि नहीं है. ठीक है, एरर नहीं हुआ तो एरर नहीं देगा, अगर एरर है तो फिर एरर देगा. तो इसमें इसने जनरली क्या कर दिया, 60 को एक टोरियल रील में डाल दिया है. ठीक है, अब कोड जनरेशन देखिए, कोड जनरेशन में क्या करेगा, ये एक नया वेरिएबल लिया, टेम्प वेरिएबल, टेम्पोरेरी वेरिएबल, उसमें अब उसको अब इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करेगा. ठीक है, जैसे कि हमारे कैसे जाएगा, मेरे मशीन कोड में कैसे जाएगा, सो उसको एक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वो करेगा, एक टेम्प लिया, उसमें उसमें 60 की वैल्यू ले ली. ठीक है, फिर 60 की वैल्यू टेम्प 2 में, 60 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, टेम्प को 60 से ID 3 में मल्टीप्लाई कर दो, टैम टू में चला गया. फिर जो टैम टू में आया था उसको ये सारे टास्क जो ये नीचे वाले टास्क हो गए, जो टैम टू में था वो टैम ID 2 के साथ ऐड करा के टैम 3 में डाल दो. फिर बोला कि ID में सबसे ऊपर वाला जो ID था उसको टैम 3 नाइस कर दो. तो टैम 3 आई थिंक ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, मतलब तो टैम 1 और टैम 2 एक साथ हो सकता है, और टैम 3 टैम आईडी ID 1 एक साथ हो सकता है. तो दो फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, थोड़ा सा कम छोटा करने के लिए. टैम 1 में ID मल्टीप्लाई बाई 60, मतलब टैम 1 की वैल्यू मैंने डाल दी. ठीक है, और टैम 1 मैंने रिकग्नाइज कर दिया इसको. ठीक, फिर ID 1 में हमने क्या कर दिया, इसको मर्ज कर दिया ID 2 प्लस टैम 1. ठीक, ये छोटे फॉर्म में आ गया, ऑप्टिमाइज हो गया, मतलब उसको छोटे फॉर्म में कर दिया, ऑप्टिमाइज कर दिया, छोटा कर दिया. ठीक है, कोड जनरेशन में क्या किया, अब देखिए कोड जनरेशन में क्या है, R2 जो है, R2 एक रजिस्टर लेंगे, तुमने बोला जनरेट, इसमें रजिस्टर को क्या कर जनरेट करता है. ठीक है, लोकेशन मूव कर दो R2 रजिस्टर को, R3 सबसे लास्ट में. ठीक है, R3 को R2 में डाल दो. ठीक,
मतलब R3 को R2 में डाल दो, फिर R2 में 60 डाल दो, मल्टीप्लाई करा दो, 60 मल्टीप्लाई 60 इन R2, मतलब नीचे लिखा हुआ सेकंड लाइन में, फिर मूव करा दो R2 को R1 में, दूसरा वेरिएबल, क्योंकि ये अब दूसरा रजिस्टर लेंगे, ठीक है। फिर ऐड करा दो R2 को R1 में, ठीक, मतलब कि ऐड इसलिए क्योंकि अभी मल्टीप्लाई वाला काम हो गया था और इधर साइड से ऐड वाला काम करा रहा है, ठीक है। अब मूव करा दो R1 को ID1 में, ठीक, ये सारा काम हो गया। तो ये मशीन लैंग्वेज समझ गई बात है। तो ये सारे काम मशीन लैंग्वेज समझाने के लिए था, बहुत इजीली समझ में आ गया होगा आप लोगों को, थोड़ा सा नोट्स भी बन गया होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। एक दो बार वीडियो और देख लीजिएगा, बहुत ही समझ में आ जाएगा। थैंक यू एवरीवन, दिस इज फॉर आज के लिए इतना ही, टेक केयर।